जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज है नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। परिषद की पिछली बैठक इस वर्ष जून में हुई थी। इस बैठक में राजस्थान से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शामिल होंगे और बैठक में राजस्थान के जीएसटी संबंधित विषयों की चर्चा करेंगे। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर चर्चा होना खास बताया गया है। आज जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। परिषद की पिछली बैठक इस वर्ष जून में हुई थी। इस बैठक में राजस्थान से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शामिल होंगे और बैठक में राजस्थान के जीएसटी संबंधित विषयों की चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। राजस्थान से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस बैठक में सम्मिलित होंगे और जीएसटी संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर चर्चा होना खास बताया गया है। दिल्ली में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। ये 54वीं बैठक होगी। इसमें जीएसटी संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस बैठक में शामिल होंगे और जीएसटी से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर इस बैठक में चर्चा होना खास माना जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, आज 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है। अगर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान की तरफ से कौन इस बैठक में सम्मिलित होगा और किन किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, किन मुद्दों को उठाया जाएगा जीएसटी से संबंधित? जी बिल्कुल, सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। कई अहम मुद्दों पर विचार किया जाना है। एक 2000 रुपए तक पेमेंट पर क्या 18% यानी 18% टैक्स देना होगा, इस पर भी यहाँ पर फैसला होना है, जो जीएसटी काउंसिल की बैठक यहाँ पर होने जा रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें भानु, तो 18% जो जीएसटी लग रही है उसके ऊपर यहाँ पर विचार किया जाना है। सबसे ज्यादा चर्चा डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर, जो 2000 रुपए तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, उस पर 18% जो जीएसटी लगाने पर उस पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करना है वो यहाँ पर महंगा हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी फिटमेंट पैनल के भी इसमें सुझाव सामने आए हैं, जिसमें ऐसे संकेत मिले हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी फिटमेंट पैनल ने एक तर्क पेश किया है कि पेमेंट एग्रीगेटर ट्रांजैक्शन के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनको बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये होगा भानु इसका कि फिटमेंट पैनल इन जो ये पीएएस है इस पर जीएसटी लगाने के पक्ष में है। तो हम ये बता दें कि 18% जो जीएसटी है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए तक के जो छोटे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उस पर यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार किया जा रहा है, उस पर ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और
जो 80% पेमेंट्स हैं भानु वो 2000 रुपए से कम के हैं, ये भी यहाँ पर सामने आया कि भारत में जो कुल डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं उसका जो 80% है, 80% से ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि वो 2000 रुपए से कम के होते हैं। 2016 में नोटबंदी की अगर हम बात कर लें तो उस दौरान भी सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी पेमेंट एग्रीगेटर्स को, इस ये जो लेन देन होते हैं लेन देन पर व्यापारियों को जो दी जाने वाली सेवाएं होती है उस पर टैक्स लगाने से रोका गया था। एग्रीगेटर अभी की अगर हम बात करें व्यापारियों से पर ट्रांजैक्शन 0.5% से लेकर 2%, मतलब 0.5% से लेकर 2% का इसमें जो शुल्क है वो ले रहे हैं। ऐसे में अगर इन छोटे पेमेंट्स पर जीएसटी लगता है तो फिर इसके बाद पेमेंट्स एग्रीगेटर इस जो एक्स्ट्रा जो लागत है इसको व्यापारियों पर डाल सकते हैं। कई अहम मुद्दे हैं भानु, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें जी, राजस्थान की तरफ से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो जीएसटी से राजस्थान से संबंधित मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं वो जब डिस्कस होंगे उसके बाद में सामने आएगा, उसके ऊपर वो वहां पर चर्चा करेंगे, उसको वहां पर रखेंगे। छोटे व्यापारियों पर इस पर क्या बड़ा असर पड़ने की बात कही जा रही है जो आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक है, क्योंकि ये जो 18% टैक्स लागू करने को लेकर फैसला होता है तो छोटे व्यापारी जो है भानु वो यहाँ पर ज्यादा प्रभावित होंगे जो अक्सर कम मूल्य के ट्रांजैक्शन पर निर्भर होते हैं। बड़े लेन देन की अगर हम बात करें तो वो गेटवे से जो प्रस्तावित अतिरिक्त 18% जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं डाल सकता, और यूपीआई पेमेंट्स को लेकर भी अगर हम बात करें तो उस पर क्या असर पड़ेगा वो भी इस जीएसटी काउंसिल की जो आज ये, क्योंकि यूपीआई अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट सबसे पॉपुलर है भानु इस समय छोटे लेन देन के लिए। अगर हम इस साल 2024 जो वित्तीय वर्ष की बात करें तो यूपीआई ट्रांजेक्शन में जबरदस्त 57% सालाना इसमें जो वृद्धि है वो देखने को मिली है। लेन देन का आंकड़ा 131 अरब रुपए से भी ज्यादा रहा है भानु। खास बात ये कि छोटे ट्रांजेक्शन के मामले में यूपीआई के जरिए अगर पेमेंट करने वालों पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा अगर जीएसटी लगाया भी जाता है तो अतिरिक्त रकम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और इस पर ही देनी होगी। तो कुल मिलाकर ये सब जो चीजें हैं बैठक के बाद सामने आएगी भानु। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका तमाम जानकारी के लिए।